और अंदर सारा कवर्ड है। और अगर आप विंड के आदि हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं सर्दी, तो ऊपर भी है। लेक कोमो जो है वो सेलिब्रिटीज की वेडिंग की वेन्यू की वजह से भी फेमस है। जैसे यहाँ पे दीपिका की और रणवीर सिंह की भी शादी हो चुकी है, और रानी मुखर्जी और भी काफ़ी सेलिब्रिटीज हैं कि यहाँ पे वेडिंग हुई। आई थिंक अनुष्का शर्मा की भी यहीं पर हुई है। ये एक और विलेज आ गया है, ब्लेयर व्यू। तो आप सारे विलेजेस का विजिट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द वेदर। विंडी वेदर की वजह से हम तो बाहर नहीं जा रहे। बड़ा मज़ा है, यहाँ पे तफरी है। आप डिफरेंट तरह की विलेजेस पे जाएं, डे स्पेंड तो नहीं, यहाँ पे तो डेज स्पेंड करें बोलूँगा। सो वी मेट आवर चाइनीज फ्रेंड इन द क्रूज, दे आर अमेजिंग पीपल। तो हमें दोनों मज़े मिल गए, रेन के भी, क्लाउडी वेदर की भी, और बल्कि सनलाइट की भी। सो लेक कोमो से हमने बनारा का फेरी ट्रिप लिया है। बहुत विंडी वेदर हो रहा है तो, लेकिन ये कि आई एम फीलिंग गुड कि ये सब कवर्ड है और हीटर भी चल रहा है तो आराम से द फेरी इज कवर्ड हियर। तो बेलाजियो भी जा सकते थे हम लोग, 45 मिनट की स्पीड बोट मिल रही थी, लेकिन फिर 45 मिनट आने के जाने के, और जब रिटर्न होता तो लाइक 6:30 हो रहे थे, तो पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग बेलाजियो नहीं जा रहे, सिर्फ लेक कोमो का 1 आवर का जो है हमने फेरी ट्रिप लिया है। वेदर के हिसाब से आई थिंक दिस इज सूटेबल फॉर अस। अभी आपको फेरी भी दिखाते हैं, बहुत अच्छी फेरी है। यहाँ से हमारी बोर्डिंग हुई थी और ये सारी फेरी है, और अंदर सारा कवर्ड है। और अगर आप विंड के आदि हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं सर्दी, तो ऊपर भी है, ऊपर का भी दिखाता हूँ डेक। तो मैं खैर वीडियो के लिए आऊँगा ऊपर दोबारा, लेकिन हम लोग नीचे ही बैठेंगे। तो ये ऊपर का है सारा डेक, और ये कवर्ड है। तो हमारे लिए यही सही करता है, यही सूट करता है। मैं ना बुराक पानी। लेक कोमो जो है वो सेलिब्रिटीज की वेडिंग की वेन्यू की वजह से भी फेमस है। जैसे यहाँ पे दीपिका की और रणवीर सिंह की भी शादी हो चुकी है, और रानी मुखर्जी और भी काफ़ी सेलिब्रिटीज हैं कि यहाँ पे वेडिंग हुई। आई थिंक अनुष्का शर्मा की भी यहीं पर हुई है ना शर्मी? तो ये फेमस जगह है बहुत। सामने आप देखें ये स्नो माउंटेन पे, अभी दिसंबर का सीजन है यहाँ पे। और लेक कोमो के स्टेशन के बाद नेक्स्ट स्टेशन स्विट्जरलैंड की किसी सिटी का लगता है, सो यहाँ से आप स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं बाय ट्रेन। थोड़ी सनलाइट आई है, वेदर थोड़ा सा बेटर हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं यहाँ पे।
ये एक और विलेज आ गया है ब्लेवियो। तो आप सारे विलेजेस का विजिट कर सकते हैं डिपेंड ऑन द वेदर। विंडी वेदर की वजह से हम तो बाहर नहीं जा रहे, हम सिर्फ फेरी से ही पूरा टूर ले रहे हैं। लेकिन मस्ट गो प्लेस है, आपके पास टाइम है तो आप दो दिन के लिए आएँ। फिर लेक कोमो बहुत बड़ी जगह है, इट्स नॉट अ स्मॉल प्लेस। डे स्पेंड तो नहीं, यहाँ पर डेज स्पेंड करें बोलूँगा, और बहुत मज़े की जगह। कलर हाउसेस सारे बस क्विकली लाइक 1-3 मिनट से भी कम जो है वो हर विलेज पे जो है वो फेरी स्टॉप करती है। फास्ट है काफ़ी, लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं। शुक्र है रेन भी ख़त्म हो गई है और सन लाइट भी आ गई है, तो मुझे लग नहीं रहा था आज होप आएगा क्योंकि सुबह से रेन हो रही थी, लेकिन शुक्र है कि हम लोग को मौका मिला जाने। आवर चाइनीज फ्रेंड इन द क्रूज, दे आर अमेजिंग पीपल एंड नाउ दे आर फ्रेंड विद, दे हैव फ्रेंडशिप विद द ब्राक एंड सनाया। ये देखिए सनी वेदर हो गया बिल्कुल क्लियर। और थोड़ी देर पहले रेन हो रही थी यहाँ पे और बहुत क्लाउडी था, बहुत विंडी था। नाउ इट्स प्लेजेंट, वेदर इज नाइस नाउ। तो हमें दोनों मज़े मिल गए, रेन के भी, क्लाउडी वेदर की भी, और बल्कि सनलाइट की भी। आई थिंक हम लोग अब टर्मिनल के पास ही जा रहे हैं, वहाँ पे वही जो टर्किश रेस्टोरेंट था हम वहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद वापसी, फिर मिलानो और फिर इंशाल्लाह वेनिस जाएंगे। आज वी डिड दिस ट्रिप टुडे, वी स्टार्टेड फ्रॉम कोमो एंड देन यहाँ से पूरा होते हुए किसी से में हम लोगों ने कवर किया है। मज़ा आ गया इस ट्रिप का, अमेजिंग ट्रिप और बहुत ही खूबसूरत लेक कोमो। तो यहाँ पे आप कुछ लाइक 2 दिन एटलीस्ट स्पेंड करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, सारे विलेजेस एक्सप्लोर करें, और समर में आए तो ज़्यादा अच्छा है। सर्दी है अभी लेकिन इतनी नहीं है, लाइक सेंटीग्रेड में 6 तक है अभी, आई थिंक 9 या 10 हो रहा होगा। This is I think another village. It's beautiful. हर जगह ही यूनिक है और ब्यूटीफुल है। मज़ा आता है, मैंने यहाँ पे विंडो के ऊपर खड़ा कर दिया तो खुश हो रहे।
मुराद इधर देखिए है, मजा आ रहा है आपको? और अभी इतना बड़ा ग्रुप आया था लड़के लड़कियों का चाइना से, और चाइना की लड़कों लड़कियों हमने इतना इतना खुश इतना अच्छा बिहेव किया, लाइक सच अ नाइस 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 बेबी। ऑलमोस्ट 1 आवर एंड